बानी पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस टू की तफसीलात सामने आ गई हैं। तोशाखाना रेफरेंस टू सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए बल्गारी ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया, जबकि तोशाखाना रेफरेंस टू में 22 गवाहों के नाम भी सामने आ गए। तोशाखाना रेफरेंस टू बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दायर रेफरेंस की तफसीलात सामने आ गई, जिसके मुताबिक बुशरा बीबी को बुल्गारी ज्वेलरी सेट मई 2021 में दौरा सऊदी अरब के मौके पर दिया गया। डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने 18 मई 2021 को सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना को कीमत का तखमीना लगाने डिक्लेयर करने के बारे आगाह किया, लेकिन ज्वेलरी सेट को जमा नहीं कराया गया। 28 मई 2021 को बुल्गारी ज्वेलरी सेट की टोटल कीमत तकरीबन 7,56,61,600 पाकिस्तानी रुपए बनती, जिसमें शामिल हार की कीमत 5,64,96,000 रुपए के बालियों की कीमत 1,50,65,600 रुपए बनती है। तोशाखाना रूल्स के मुताबिक 50% देकर बुल्गारी ज्वेलरी सेट की कीमत 3,57,65,800 रुपए बनती है। तहम सेट की कम कीमत लगवाकर कौमी खजाने को 3,28,51,300 रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। उधर तोशाखाना रेफरेंस टू में 22 गवाहों के नाम भी सामने आ गए। लिस्ट में सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन बिनियामीन का नाम सरे फहरिस्त है। इसके अलावा तलत महमूद प्रोटोकॉल ऑफिसर वजीर आजम हाउस, एडिशनल डायरेक्टर नैब हेडक्वार्टर कैसर महमूद, असिस्टेंट डायरेक्टर मोफा मोहम्मद फहीम, वजीर आजम के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद, साबिक वजीर आजम के पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्ला शाह का नाम भी गवाहों में शामिल है।